नशे का आदि इंसान कभी भी किसी का भी सगा नहीं हो सकता। वो इंसान हमेशा एक दोहरी जिंदगी जीता रहता है। जब वो नशे में होता है तो वो एक अलग दुनिया में होता है, और जब उसका नशा उतर जाता है तो उसकी दुनिया अलग हो जाती है। दोस्तों, आज की घटना में एक नशे का मारा भाई अपनी ही सगी बहन के साथ गलत करता है, लेकिन बहन तो बहन, अब वो अपनी उस बहन की माँ के साथ भी इतना बुरा करता है कि जब आसपास के लोग इन बात को सुनते हैं तो वो भी एक हैरानी सी में आ जाते हैं कि कोई घर का ही व्यक्ति होकर इतना बुरा सोच सकता है या इतना बुरा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का तिरछी बात में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अमल कीजिए। और आप लोगों से स्टार्टिंग में ही एक बात पूछ लेना चाहती हूँ, क्या नशे का आदि इंसान इतना नशे में डूब सकता है कि उसे ये नहीं पता होता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। आज की घटना शुरू होती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र से, जहां पर एक परिवार रहता है। परिवार में दो बेटियां, एक बेटा और माता पिता रहते हैं। ये परिवार कुल 5 लोगों का परिवार होता है। अब इस परिवार के पास एक कार्ड आता है शादी का, जो कार्ड 26 अप्रैल 2022 को शादी पर इस परिवार को जाना होता है, लेकिन उस दिन इस परिवार की बेटी होती है 12 साल की, जिसकी हालत खराब हो जाती है। जब बेटी की हालत खराब हो जाती है तो उस बेटी की देखरेख करने के लिए माँ घर पर रुक जाती है, और जो परिवार के 3 लोग हैं, एक बेटी, एक बेटा और पिता, ये उस कार्ड पर जहां से इन पर निमंत्रण या इन पर बुलावा आया है शादी के लिए, वहां पर ये 3 लोग चले जाते हैं और इनको, माँ बेटियों को, घर छोड़ जाते हैं। लेकिन आज इस माँ को नहीं पता था कि इसके साथ कितना गलत होने वा रहा है। जब ये माँ बेटी रात को सोई हुई होती हैं, तो इस लड़की जो 12 साल की होती है, इसका चाचा का लड़का फुल नशे में टन होते हुए घर में प्रवेश करता है और इस 12 साल की बच्ची को उठाकर गोद में अपने कंधे पर डाल लेता है। जब बेटी को कंधे पर डाल लेता है, 12 साल की बच्ची को, चाचा का ही लड़का, तो इसकी माँ एकदम जग जाती है और ये देखती है कि मेरी बेटी को कंधे पर डालकर ये ही मेरे जेठ का लड़का ही कहीं और लेकर जा रहा है। वो माँ उस जेठ के लड़के को लड़ने लगती है, उसको पकड़ लिया जाता है, पकड़ती है और उसका विरोध करने लगती है। वो बेटी को दोबारा डालकर उस माँ से गुथने लगता है, उससे छीना झपटी सा एक माहौल बन जाता है और वह उस महिला के, जो 12 साल की बच्ची है, उसकी माँ की गर्दन दबाने लगता है। और गर्दन तब तक दबाई जाती है जब तक वो ये ना समझ ले कि ये महिला मर चुकी है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करता है कि ये मर चुकी है, लेकिन वो महिला मरती नहीं है, वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। तभी वो चाचा का लड़का उस 12 साल की लड़की को अपने कंधे पर डालता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। उतने ही जो परिवार के लोग शादी में गए हुए थे, उतने ही वो लोग घर पर आते हैं और घर पर जो मंजर देखते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब परिवार पूरा घर में प्रवेश करता है, दुखी और परेशान परिवार हो जाता है। उस महिला को होश में किया जाता है, महिला होश में आ जाती है और होश में आते ही वो महिला अपने पति की तरफ देखती है और उसकी आंखों में कई सवाल और जवाब होते हैं और वो समझ नहीं पा रही है कि वो अपने पति से क्या बोले या नहीं बोले। वो रोती रोती अपने पति से कहती है कि कुछ भी करो, जल्दी करो, जो तुम्हारे भाई का लड़का है, जिसका नाम सुनील चरपोटा है, वो मेरी बेटी को अपनी गोदी में उठाकर कंधे पर डालकर जंगल की तरफ ले गया है और मुझे मारने की उसने कोशिश की है। मुझे मत देखो, जाकर बेटी को ढूंढो, मेरा तो जो है ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी माँ की आंखों में ये बातें थी, उसकी पत्नी जो अपने पति से कह रही है, अपने बेटे से कह रही है, अपनी बेटी से कह रही है। अब वो पिता गांव में पूरे में हल्ला मचा देता है, पूरा गांव उस पिता के साथ हो जाता है, उस लड़की को ढूंढा जाता है, वहां पर पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई जाती है। जब लड़की को ढूंढा जाता है तो लड़की झाड़ियों में बेसुध हुई मिलती है, बेहोश हुई मिलती है। उस लड़की को वहां से उठाया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, पुलिस के पास अभी केस पहुंच जाता है। पुलिस को एक लिखित रूप पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, जो कंप्लेंट दर्ज करते ही जो वहां के एसपी डीएसपी होते हैं, वो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं, तुरंत उस लड़के की ढूंढ शुरू हो जाती है, उसे ढूंढना शुरू हो जाता है। पुलिस कई चीजें ऐसी करती है जिससे उसे पकड़ा जाए और उस लड़के को पकड़ भी लिया जाता है। उस लड़के पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर उसको उसके हिसाब से सजा दिलाई जाती है। उस लड़की के कई टेस्ट भी होते हैं,
कई चीजें जो प्रोसीजर होते हैं कानून के उसमें कर गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या बनती है कि एक भाई, चाचा का लड़का भाई ही होता है, क्या वो भाई इतना अंधा या इतना बहरा हो चुका था उस शराब के नशे में कि उसे अपनी ही ताऊ की लड़की नहीं दिखी या अपनी ही बहन है उसके ताऊ की लड़की हो, क्योंकि परिवार गांव में बहुत बड़े होते हैं, चलन बहुत देर तक दूर तक चलते हैं, क्या वो इतना अंधार बहरा या उसकी बुद्धि इतनी नशे में डूब चुकी थी कि उसे ये नहीं पता था कि मेरी बहन है वो भी 12 साल की है, वो उसके साथ क्या करना चाहता था। दोस्तों कई सवाल खड़े होते हैं, लोग हम जब बातें करते हैं इन बातों पर तो लोग कई बार तो कमेंट भी करते हैं, टाल देते हैं कि ये तो कोई तो शौक के लिए पीता है, कोई गम भुलाने के लिए पीता है, मतलब इस पर एक उपहास सा बनाया जाता है, इसको बहुत लाइटली लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आधे क्राइम तो एक नशे में व्यक्ति करता है, नशे में बेसुध व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं होता, फिर मैं वही बात बोलूंगी। और हद से ज्यादा जो व्यक्ति नशा करता है वो वाकई में किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कभी अपने आस पड़ोस में या आसपास ढूंढा है, देखा है, कभी देखा होगा, वाकई में हर व्यक्ति की किसी ना किसी से मुलाकात होती है जो नशेड़ी होता है, तो वो अपने बीवी बच्चों पर भी रहम नहीं करता, अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो वो उन्हें मारता है, पीटता है, ये आपने भी देखा है, कई बार हमने भी देखा है। लेकिन इस पर क्या किया जाए, नशा जो हमारी आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ रहा है, जो चल रहे हैं लोग, जो हमारी जनरेशन जो चल रही है वो भी खराब हो रही है। नशा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, नशे का आदि इंसान कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। कभी कभी देखा जाता है कई मामलों में कि नशे में इंसान अपनी पत्नी को ही मार देता है और फिर बयान दे देता है कि भाई मैंने तो नशा कर रखा था, तो ऐसा नशा करना ही क्यों जो आपको हानि पहुंचाए या आपके परिवार को हानि पहुंचाए। नशा जो इंसान करता है कभी गली में गिरता है, कभी इधर पड़ता है, कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, शायद जिसने नशा कर रखा है उसके सामने एक सवारी आ रही है वो तो बेकसूर है, शायद वो मर जाते हैं उनकी वजह से, तो ऐसी चीज को करना ही क्यों। बहुत से लोग एक अपनी राय रखते हैं और एक तर्क देते हैं कि भाई हम तो कभी शादी में ले लेते हैं, ब्याह शादी में या कोई तीज त्योहार हो, तीज त्योहार पर क्यों पीना, आप मिठाई खाइए, अपने घर में कुछ अच्छा बनाइए, क्या ये कोई अच्छी चीज है जो आप त्योहार पर पी रहे हैं, क्या इतनी अच्छी चीज है कि आप शादी में पी रहे हैं। बहुत लोग मतलब एक रास्ता ढूंढ लेते हैं जवाब देने का और सही उस बात को ठहराने में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी कमी को छुपाने के लिए उस बात को, गलत को वो सही सिद्ध करते हैं। बहुत लोगों को देखा है, पर जो भी है आप इस चीज पर क्या राय रखना चाहते हो, शराब हो कोई भी नशा हो, इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो वो राय अपनी जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और जो आने वाली पीढ़ी है जो आपके साथ है उन्हें भी नशे से दूर रखिए। नशा मुक्त अगर भारत हमारा हो जाए तो वाकई में हमारे भारत की एक इतनी सुंदर तस्वीर बनेगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। जय हिंद।